पूरा करूंगा। मेरे मेरे वहाँ पर रखे भाषण दिया था मोदी जी ने, और भीड़ पारा में उसने भाषण दिया था मेरे को सामने रखे कि हमारा कम्युनिटी मैं फुल करूँगा, कल से ये काम शुरू हो जाएगा, ये बोला था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम चाहता हूँ कि अब कब पूरा हो जाएगा मोदी साहब, हम क्वेश्चन करने के लिए हम आया हूँ, और चाहता हूँ कि आने वाला दिन में 2024 का आगे कोई आपने कोई फुल करना ही होगा, नहीं तो जैसा कमल का फूल बंगाल में खुलाया था वैसे ही फूल खत्म हो जाएगा। जैसे उम्मीदों के साथ कमल का फूल खिलाए थे तो आपको ये लगता था कि हमारा अलग से राज्य बन जाएगा, ऐसे क्यों, मतलब क्या क्या खासियत है, क्यों वहाँ पर बनाया जाए, उसको एक अलग नाम क्यों दिया जाए? देखिए नाम नहीं, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का फुलफिल करना होगा, और ये भारत देश में चढ़ाव करने वाला चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, जब चढ़ाव करते हैं ना तब पुरखा का याद आता है, एक एक कतरा खून बगा के हम लोग योगदान भारत देश को दे दिया है, लेकिन भारत देश ने अभी तक क्या दिया हम लोग उसको, सरकार को हमने अवेयरनेस करने के लिए बार बार काम कर रहा हूँ। हम आपको रोकना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं, तो क्या उनके लिए और हमारा अलग है, बंगाल से अलग है, और हमारा बंगाल से अलग वेशभूषा भाषा संस्कृति सब अलग है, और हम लोग क्यों नहीं बन सकते? नहीं अभी तक तो बन चुका है, इतना झारखंड बना, उत्तराखंड बना, बहुत प्रांत में 29 राज्य बन गया है, तो अभी किसो राज्य बनाने के लिए क्या मुसीबत है? जितने राज्यों का आपने नाम लिया है वो कोई भी राज्य जो है वो भाषा पर नहीं बनाया गया कि उनका अपना संस्कृत भाषा सब अपना आइडेंटिटी सब लेकर ही बनाया। ऐसा कोई राज्य आप जानते हैं जिसको भाषा के नाम पर बना दिया गया? उत्तराखंड बन गया है, छत्तीसगढ़ बन गया, अपना भाषा के नाम पर भाषा संस्कृत सब लगा के ही बन चुका है, और हम लोग भी चाहता हूँ कि हमारा अपना आइडेंटिटी है जो भारत देश में, हमारा अपना आइडेंटिटी। अभी देखिए जो माइनॉरिटी के लिए, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना सरकार उसको योगदान देती है, लेकिन हमारा गोरखा कम्युनिटी को जब भी हम लोग का देश को मुसीबत आते हम लोग को तो समझते कि ये महान है, ये गोरखा महान है, ये भारत देश के लिए आप लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे जो है यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, वो भी अपनी आइडेंटिटी के लड़े, और फिर देखिए अपना 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 जातीय प्रांत है, अपना अपना जातीय प्रांत है, और हम लोग की गोरखा जाति है, गोरखा जाति का एक अलग हमारा हिस्ट्री भी है, और हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी है हमारा, हमारा हिस्ट्री भी है, वही हिस्ट्री को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जातियाँ बहुत है, जिसके यहाँ जाति नहीं, ऐसा भारत देश में 29 राज्य क्यों बन गया, क्यों बन गया? ये तो 29 राज्य तो नहीं बनना चाहिए था ना, तो भारतीय जनता पार्टी हो, आगे का जितना भी सरकार हो, यही चीज लेकर छोटा छोटा राज्य बनाए, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट उन्नति विकास के लिए जो भी है, समस्या तो बहुत है, समस्या बहुत है, क्योंकि हमारा वहाँ पर बच्चे लोग है, बेकारी बच्चे लोग है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हमारा इतना आयुष है कि टूरिज्म और पावर प्रोजेक्ट, बंगाल हमारा रेवेन्यू से चलते है, तो हम लोग का रेवेन्यू से बंगाल चल रहा है, तो हम लोग को अपना प्रांत बनने से हम लोग खुद ही हम लोग चला सकता हूँ ना, इसीलिए हम लोग का डिमांड कर रहा हूँ। आप लोग अब चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो देखिए कितना बार एनपी बनाया, जसवंत सिंह को एनपी बनाया, एस एस आलोल को एनपी बनाया, राजू मिश्रा को एनपी बनाया, और एमएलए तो कई बार बनाया। आपकी राज्य सरकार कह रही है कि हम गोरखाओं की सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी सारी जो भी समस्याएं होती है उनका निवारण करते हैं, जो पॉलिटिकल भाषण तो जब भी देता है देते रहे, लेकिन हमारा डिमांड है हम लोग मानते रहे। आपका डिमांड क्या है अलग राज्य उसके अलावा कुछ और? ना आप राज्य से कोई डिमांड करिए कि आप राज्य से ये जो है ये राज्य से हो नहीं सकता है, जो भी समस्याएं आपको हो रही है जिसके लिए आप गोरखालैंड के निवासी।
निर्माण कर रहे हैं, तो वो जो है अपनी राज्य सरकार से दरखास्त करिए, उनसे कहिए कि हमको ये राज्य सरकार को भी बहुत बात समस्याओं के लिए आपने समस्या के लिए भी हमने रखा हुआ है, समस्या का समाधान के लिए जो भी हम वहाँ पर रखा हुआ, लेकिन वो समाधान कोई चीज आया था लेकिन वो भी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो में नहीं, इसलिए बार बार वो आवाज उठे ना वहाँ पर जो जीके बन गया था जो 2012 में बनने का बात भी अब उसका अवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, वो खत्म हो गया ना, इसीलिए अभी ये नौबत आ गया कि ये बार बार ये कल्याण का आवाज कि चाहता हूँ कि वहाँ का परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए तब वहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर गोरखालैंड आपका एक अलग राज्य बन गया तभी जो वहाँ की सरकार होगी हो सकता है तभी वो आपकी गवर्नमेंट क्या करे, मतलब वहाँ पर हम लोग का विकास हो गया, कोई भी चीज हो हम लोग अच्छी तरह से वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत आयुष कोई दूर से अभी बंगाल सरकार का रेवेन्यू आते और हम लोग चाहते हैं हमारा अलग ये बनने से और हमारा देश में हम उन्नति कर सकते विकास कर सकते एक पहचान दे सकते। एक पहचान की ही बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार जो जाति के लोग हैं धर्म के लोग यहाँ पर हैं, चारों का अलग धार्मिक दृष्टिकोण से मैं नहीं देख रहा हूँ, हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से कम्युनल राइट होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं हमारे गोरखालैंड में आदिवासी हो या बंगाली हो बिहारी हो या मुस्लिम हो सभी रह जाते जो गोरखालैंड का जो जो हम ये पूछ रहे थे आपसे कि जो आदिवासी है क्या उनको एक अलग राज्य दे दिया जाए, क्या उनको झारखंड तो है आदिवासी का झारखंड है आपके हिसाब से सारे जितने भी राज्य हैं वो तो बन चुके हैं, बन चुका है पंजाब है भारत देश में एक पहचान होना चाहिए गोरखा को भी पहचान, जब भारत देश को चढ़ाव होते ना तब समझते हैं ये गोरखा ने इतना आवती दिया है, बस इतना ही हम लोग को एक एक कथा खून देकर हमने आवती दिए है भारत देश के लिए और हम लोग कुछ पहचान दो आइडेंटिटी का आप लोग जब भी चैनल हो या कोई भी टीवी चैनल हो जब भी चढ़ाव होते हैं ना देश में चाहे चाइना से होते है चाहे पाकिस्तान तब गोरखा महान होते है बोले आप लोग ताली मारते है ना आप टीवी गोरखा हमेशा महान था महान का जगह कहाँ है महान का जगह महान महान का जगह क्या है महान का लिखा है महान का आइडेंटिटी क्या है नहीं है ना इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि महान का आइडेंटिटी क्या है महान महान की जगह क्या एक अलग राज्य बनने से हो जाएगा हाँ बहुत 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 और बहुत महान होता है उसका एक अलग राज्य होता है हम लोग का गोरखा का जो महान बनना चाहिए सर सर जो महान होता है उसका एक अलग राज्य होता है नहीं होना चाहिए नहीं हमने आपसे पूछा है हमने आपसे ये पूछा है कि जो महान होता है क्या उसका एक अलग राज्य है हर महान व्यक्ति का महीने महीने नहीं बता ये तो भारत देश भी बता रहा है भारत देश ने बोल रहा है भारत ने बार बार बोल रहा है महान आदमी महान जब भी ये गोरखा आदमी लोग है उसको महान ही बोलता है चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सब बोलते हैं तभी तो हम कह रहे हैं कि आपको जो है वो किसी राज्य की जरूरत ही नहीं है खुद में महान है हम लोग को तो आइडेंटिटी क्वेश्चन जब भी आप आते हैं आप कहाँ का और हम लोग को देखकर आप तो नेपाल का है बोलता है ना हम लोग को तो पहचान चाहे ना हम लोग तो नेपाल का आदमी नहीं भारतीय गोरखा हूँ हम लोग जमीन से हम लोग यहाँ पर इसलिए हम लोग का आइडेंटिफिकेशन ये जो है ये गोरखा के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इतना काम कर रहे हैं।